शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ज्यादा समझ में आता है सब बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड मदद कर रही है आपको अपने गोल को पहुंचने में तो आपके लिए बढ़िया है। अगर वो मदद नहीं कर रही है, वो आपका समय ले रही है, तो समझ लीजिए वो आपकी सबसे बड़ी जानी दुश्मन है, और उन लोगों से साइड हो जाइए। पढ़ने लगे फिर उसके बाद मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब से बायोलॉजी विंग्स ज्वाइन किया हूँ तब से बायोलॉजी से प्यार हो गया हमें। वाह बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, और मुझे इस बात का ज़्यादा खुशी नहीं कि मैंने 12th सर के पास आके चुना, मुझे इस बात का ज़्यादा गम है कि मैंने 11th सर के पास क्यों नहीं पढ़ा। देखिए पूरे दिल खोल के यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कोई भी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता है। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनको किस तरह का मेहनत करना होगा, किस तरह से मेहनत करना होगा, सर के रहते हुए क्या नहीं समझ आएगा। या सर 10th के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो वे किस तरह से अपने रास्ते पर चले, क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि वह आगे जाकर के सफल डॉक्टर बन सके। देखिए सबसे पहले उसको एक दिमाग में बात, प्रेम जो है ना हर कोशिका में बसा है, वो हर्ट ही नहीं है, और क्योंकि हर्ट से ही हम जिंदा हैं, अर्थात हम प्रेम से ही जिंदा हैं, ये एक संकेतात्मक शब्द है। हृदय को हम प्रेम से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हृदय नहीं तो जिंदगी नहीं, और जिंदगी प्रेम के बिना संभव नहीं, इसीलिए हर्ट का कनेक्शन प्रेम से है। क्या लव का बायोलॉजी से कोई कनेक्शन है या फिर पूरे कनेक्शन है? क्योंकि प्रेम जो है ना वो सजीव ही कर सकता है। कभी देखे ईटा आपसे प्रेम कर लिया? यहाँ पे मेरा सारा कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का क्लियर हो जाता है। ये प्रभास सर बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, और हम शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग हो गए कि हमको यही पढ़ना है, तो यही पे ध्यान ही लगाए, तो और सर इतने अच्छे से पढ़ाए तो हमको और भी पसंद आ गया। चीज़ों को पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड साइंस। अधिकतर अधिकांशतः इसी उम्र में बच्चे रास्ते भटक जाते हैं, यानी कह सकते भाग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा नहीं है कि इसी उम्र में भटकते हैं, 50-60 साल में भी भटकता आदमी, भटकाने वाला का स्तर होना चाहिए। ये है भागलपुर, जो पहले सिल्क सिटी कहा जाता था, लेकिन अब शिक्षा नगरी बन चुका है, और पढ़ने के लिए बच्चों का ये जनसैलाब जो आप लोग देख रहे हैं, जब यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में छुट्टियाँ होती है तो सड़क पर इस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत दिनों से हम कोई वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेरा पार्ट वन का एग्ज़ाम चल रहा है, और मेरा इंग्लिश ऑनर्स है TNV कॉलेज से, तो ऑनर्स का 2 पेपर होता है जो कि मेरा हो चुका है, और सब्सिडरी का एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट से होगा, 20 तारीख से होगा, तो सोचिए इसी बीच एक वीडियो लाते हैं आप लोगों के बीच। तो हम भागलपुर में क्लास 11th और 12th के लिए अभी तक 3 कोचिंग का वीडियो बना चुके हैं, जो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स और एकलव्य इंग्लिश, किराज मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का बनाने वाले थे, पर अभी तहसीन सर का एक बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप का शानदार हॉल बन रहा है, तो जब उनका हॉल बन जाएगा तब आपको हम तहसीन ट्यूटोरियल का भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो चलिए आज देखिए, आज हम उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बायोलॉजी लेते हैं। जी साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी भी आता है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको भागलपुर में क्लास 11th और 12th के लिए बायोलॉजी का एक बेस्ट कोचिंग आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि स्थित है सराय में ही, यूनिवर्सिटी रोड सराय, लाल बाग गेट जो गली अंदर आती है उसी गली में स्थित है बायोलॉजी विंग्स नामक एक बायोलॉजी की बेहतरीन संस्था। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं बायोलॉजी विंग्स में, जिसके डायरेक्टर सर है प्रभात सर, और प्रभात सर से भी आपको मिलाएंगे, कोचिंग में दिखाएंगे, और मेरे मन में कुछ प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न जो हम प्रभात सर से जानना चाहेंगे, क्योंकि 12th में मेरा बायोलॉजी नहीं था तो उतना अच्छा से हम इस बात को नहीं जानते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको बायोलॉजी विंग्स में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए चलते हैं अब बायोलॉजी विंग्स की ओर, और बायोलॉजी विंग्स सराय में TNV मारवाड़ी कॉलेज से आने के बाद ये है यूनिवर्सिटी रोड जो सराय की ओर जाती है। देखिए यहाँ भी सर का एक पोस्टर लगा हुआ है, तो चलिए सर का पता था लाल बाग गेट, तो देखते हैं आगे लाल बाग गेट कहाँ आपको दिखाते हैं, और लाल बाग गेट के जस्ट 2 कदम आगे ही बायोलॉजी विंग्स, तो ये है लाल बाग गेट जिसका नाम तो आप लोग सुने होंगे, आज देख भी लीजिए। और यहाँ देखिए सर का ही पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर,
और इसी से जस्ट दो कदम आगे चलिएगा एक गली है, उसी में बायोलॉजी विंग्स है, एक ही अमन सर का फिजिक्स है, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स है, इकला भी इंग्लिश और सीनियम केमिस्ट्री भी है। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये जगह तो आप लोग जानते ही होंगे और यहीं पर बायोलॉजी विंग्स है। चलते हैं बायोलॉजी विंग्स में और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये बच्चे जा रहे हैं और यहाँ पर बायोलॉजी विंग्स का ऑफिस है। ऊपर में क्लास चलता है बायोलॉजी विंग्स का। तो अभी हम बायोलॉजी विंग्स के ऑफिस में बैठे हैं। सर अभी क्लास ले रहे हैं लेकिन अब छुट्टी होने वाली है, तो देखिए कब तक सर से मिलते हैं और सर से मिलने के बाद आपको क्लास भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अब सर से मिलेंगे और भी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं क्लास से, लग रहा है कि सर का क्लास का भी छुट्टी हो चुका है। देख सकते हैं बच्चे ऊपर से उतर रहे हैं। चलिए देखिए अभी यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं क्लास से पढ़ करके, इनसे पूछते हैं कुछ कुछ। बताइए कि आपको बायोलॉजी में पढ़ कर कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है सर, बच्चों के लिए खतरा ही नहीं बल्कि खतरनाक ही है। अरे मतलब आप बताइए आप लोग की इंटरेस्टिंग वे में सर पढ़ाते, किस तरह सर पढ़ाते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग देख के पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि समझ में आता है, इजी लगता है। बहुत अच्छा, जब प्रभात सर हो सामने तो बायोलॉजी आसान ही लगेगा। अच्छा और बताइए कि बहुत सारा कोचिंग है भागलपुर में, आप लोग यहीं क्यों आते हैं? क्योंकि जब बायोलॉजी का मतलब समझते हैं तो समझिए कि सिर्फ प्रभात सर ही जो बायोलॉजी को आसान कर सकता है पढ़ाने में। जी, और कुछ आप लोग बताइए मतलब कैसा फील करते हैं यहाँ पर क्या आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो बच्चे यहाँ पर जो पढ़ कर आए बहुत खुश लग रहे हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पढ़ के संतुष्ट हैं ना? यस सर, बहुत खुश। तो आप लोग क्या लगता है कि यहाँ सही जगह आए हैं? यस सर, करेक्ट जगह आए हैं बिल्कुल। तो बच्चों का कहना कि बिल्कुल सही जगह हम लोग आए हैं और आप लोग पढ़ाई से संतुष्ट हैं, आप लोग सब कुछ समझ में आता है? यस सर। चलिए तो बहुत बढ़िया है, चलिए अब सर से भी बातचीत करेंगे हम और आपको क्लासरूम भी दिखाएंगे। तो आप लोग प्रभात सर के रहते हुए क्या नहीं समझ आएगा? यस सर। चलिए तो आप लोग का धन्यवाद, हम आपको सर से मिलाएंगे। चलिए चलिए अब आपको दिखाते हैं बायोलॉजी विंग्स का क्लासरूम। तो वही हम जा रहे हैं क्लासरूम में, देख सकते हैं आप लोग। बायोलॉजी विंग्स के क्लासरूम में और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम इन लोगों से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए कि आप बायोलॉजी विंग्स में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ के कैसा लगता है? बायोलॉजी विंग्स में पढ़ने से अच्छा लगता है और सर का कंटेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे और डाउट वगैरह क्लियर करते हैं। बायोलॉजी विंग्स पढ़ने में मज़ा ही नहीं, बहुत मज़ा आता है। बायोलॉजी विंग्स इतना यहाँ अच्छा से पढ़ाया जाता है कि मतलब भागलपुर में इतना अच्छा तो शायद ही कहीं पढ़ाया जाता होगा। तो आप बताइए कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप बायोलॉजी विंग्स को ही क्यों चुने?
क्योंकि बायोलॉजी विंग्स बहुत ही अच्छा तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे दिल खोल के यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई भी बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं होता है, जैसे सर जो है ना मतलब सब यहीं पर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी विंग्स बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे वजह से बच्चे टॉपर करते हैं। यहाँ पे ये हमेशा सोचते हैं बच्चा है तो मुमकिन है, बच्चे ही सब कुछ करते हैं इसका कहना है, इसलिए ये बायोलॉजी विंग्स बहुत ही अच्छा है और बेहतर है। बहुत बढ़िया बात कहा आपने, क्या नाम आपका? रेवंत। यहाँ का क्लास कभी बोरिंग नहीं होता है, और यहाँ पे मतलब सब चीज़ मतलब आम तरीके में होता है ना, हिंदी भाषा में उसी तरह से पढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट पूरा चलता है। चल तो आपसे मेरा सवाल है कि आप तो सबसे पहली बार बायोलॉजी विंग्स आए होंगे, तो आप पहले आप डेमो करने आए होंगे, ठीक है? 11th में भी आए थे। आप जब 11th में आए थे आप डेमो करने आए होंगे, तो आपको सर में से क्या अच्छा लगा कि आप बायोलॉजी विंग्स में आपको क्या अच्छा लगा जो आप यहाँ हमेशा आने लगे, मतलब और सब टीचर मतलब जैसे पढ़ाते हैं वैसे तो पढ़ते ही थे जैसे और जगह पर पढ़ते थे, लेकिन ये सर पढ़ाते हैं मतलब कि जैसे बोरिंग नहीं होने देते क्लास में, और मतलब कि कॉमेडी टाइप में पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चा बोर ना हो और बच्चा को बढ़िया से समझ में आए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बायोलॉजी विंग्स को क्यों चुने पढ़ने के लिए? यहाँ पे मेरा सारा कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का क्लियर हो जाता है, ये प्रभास सर बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और मेरा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है बायो का। आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए बायोलॉजी विंग्स में, तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप यहाँ हमेशा आने लगे? मेरी दीदी यहाँ पहले पढ़ती थी, तो वो हम जब फर्स्ट टाइम आए तो दीदी पहले फिक्स कर चुकी थी कि हमको यहीं पढ़ना है, तो हमको होता है डेमो वाला वो सब हम तो किए नहीं, तो हम शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग हो गए कि हमको यही पढ़ना है तो यही पे ध्यान ही लगाए, तो और सर इतने अच्छे से पढ़ाए तो हमको और पसंद आया। जानना चाहेंगे बायोलॉजी विंग्स से क्यों, बायोलॉजी विंग्स में बायोलॉजी पढ़ने क्यों आते हैं? देखिए सर बायोलॉजी आप लोग भली भांति जानते हैं और हम भी जानते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको जीवन से रिलेट करके पढ़ना जाकर के हमारे लिए कोई भी चीज़ अगर यदि हो रहा है दिनचर्या में तो उसको जीवन से रिलेट करके सर जी क्या करते हैं जीवन से रिलेट करते हैं, कोई भी कड़ा से कड़ा टॉपिक को साइड कर देते हैं इसलिए, और बायोलॉजी विंग्स में हर कॉन्सेप्ट हर चीज़ अच्छा लगा इसलिए हमने इसको चूज किया। एनी क्वेश्चन और? मतलब सर जीवन से आपके डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड साइंस। बायोलॉजी विंग्स में आप बायोलॉजी पढ़ने आते हैं, हाँ, तो बायोलॉजी विंग्स में आपको क्या पसंद है, यानी कि सर का पढ़ाने का तरीका किस तरह का है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भागलपुर में बहुत सारा बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, हम सब जगह पे गए लेकिन हमको सबसे अच्छा डेमो यहीं का लगा। सर का सबसे अच्छा है कि एक्सप्लेनेशन, सर जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो मतलब बहुत ही अच्छा, उसमें मतलब लिखावट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चे को, घर में जाके यदि बच्चा 10 मिनट भी उस चीज़ को जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है जो टॉपिक उसको अगर 10 मिनट में देखे तो वो पूरे अच्छे तरह से क्लियरेंस हो जाता है। या फिर कहने का मतलब सर इस तरह से पढ़ा देते हैं कि आपको उसको थ्योरेटिकली ज़्यादा नहीं माइंड सेटअप हो जाता है, हाँ पूरे माइंड में सेट हो जाता है, बच्चे खुद से उसको कर लेते हैं, खुद से उसको कर भी सकते हैं और मतलब पूरा पूरी तरह से क्लियर हो जाता है बच्चे का माइंड जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जब से हम बायोलॉजी जानना चाहें तब से तो हम सोचे आगे पढ़ने के लिए जाएंगे, बट जब भागलपुर आए तो दोस्त सब बताया कि बायोलॉजी विंग्स जाना है, तो यहाँ आके देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ज्वाइन किए, सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उसके बाद पढ़ने लगे, फिर उसके बाद मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जब से बायोलॉजी विंग्स ज्वाइन किया हूँ तब से बायोलॉजी से प्यार हो गया हमें। चलिए तो आप लोगों को हम बायोलॉजी विंग्स का क्लासरूम दिखाए, अब समय है कि हम आप लोगों के बीच प्रभात सर को बुलाएंगे जो बायोलॉजी विंग्स के डायरेक्टर सर है, और उनसे हम बहुत कुछ आज बातचीत करने वाले हैं, तो हम बुलाना चाहेंगे प्रभात सर को, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने व्यस्ततम समय में हमसे बातचीत करने का समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद सर कि आप अपना समय दिए हमको। तो सर आपसे मिले बहुत अच्छा लगा सर, आपसे हम बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं सर, तो मेरा सबसे पहली बात देखे कि आपका जो लोगो है सर, तो हमको लोगो में ही बहुत कुछ बायोलॉजी दिख रहा है, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव है आपका लोगो लगा हमको, जैसे तो DNA का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइक्रोस्कोप दिख रहा है, बीकर दिख रहा है, ह्यूमन ब्रेन दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले आपसे और बायोलॉजी विंग्स जो आप लोग का कोचिंग का नाम है कितना शानदार, थोड़ा सेंसिटिव नाम है, आप लोग सोचिए जरा से इसको कि थोड़ा नाम में ही दम लग रहा है कि नहीं। तो जानना चाहेंगे सर कि आप बायोलॉजी विंग्स नाम क्यों रहे कोचिंग का? देखिए
बायोलॉजी विंग्स, आपको उड़ान देना है अपने जीवन को, अपने सपनों को बायोलॉजी के साथ, तो आइए जुड़िए. तो बायोलॉजी विंग्स, गिव विंग्स टू योर ड्रीम, अपने सपनों को उड़ान दीजिए. तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो ज़रूर उनका सपना होता है कि कुछ जीवन में बहुत अच्छा हासिल करना, तो उस परिस्थिति में अगर बायोलॉजी पढ़ करके उनको पंख ना मिले अपने सपनों को तो बेकार है, इसीलिए बायोलॉजी विंग्स. तो आप लोग देखें अभी कि बायोलॉजी विंग्स सर नाम क्यों रखे हैं. बायोलॉजी आप लोग पढ़ने आए हैं लेकिन बायोलॉजी के साथ आपके सपनों को, उड़ान को भी सर यहाँ पूरा करने वाले हैं, इसलिए सर इसका नाम बायोलॉजी विंग्स रखे हैं. तो एक बार सर के लिए फिर से ताली आप लोग. अब सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि बायोलॉजी को लेकर के, यानी कि अधिकांशतः देखा जा रहा है कि अधिकतर बच्चे मैथ को प्रीफर कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या बायोलॉजी एक सिर्फ सब्जेक्ट तौर पर आजकल देखा जा रहा है, वास्तविक रूप में बायोलॉजी का क्या वैल्यू है, बायोलॉजी का क्या स्कोप है, और बायोलॉजी के बारे में आपसे मतलब आप बताइए कि क्या बायोलॉजी पढ़ के बच्चे अपना सपना पूरा कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. देखिए बायोलॉजी ये एक सब्जेक्ट नहीं, ये समझ लीजिए कि हमारे कण-कण में बसा है. अगर ये वर्ल्ड फिजिक्स से चलता है तो उसकी ब्यूटी बायोलॉजी है, और इस दोनों को चलाने वाला बेस में केमिस्ट्री है. तो कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअली उसका कोई वैल्यू नहीं है, सब मिलने से ही सब कुछ है. जब तक सबका साथ नहीं तब तक किसी का विकास नहीं. तो 2020 के पहले लोग बायोलॉजी को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे क्योंकि कोरोना नाम का कोई चीज़ नहीं था. अभी भी 100 में से हमको लगता है कि 10 बच्चे ही होंगे जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे, लेकिन 2020 के बाद थोड़ा सा बायोलॉजी के प्रति बच्चों का रुझान और गार्जियन का रुझान आया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सिर्फ इंजीनियर बनने से नहीं होगा, डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, नर्स भी बनना पड़ेगा. और बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं बना जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है. लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, उनको लगता है बायोलॉजी लिया मतलब डॉक्टर बनेगा, नीट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नीट के अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं बायोलॉजी के, मैं दो चार बताना चाहता हूँ जो कि आज बड़ा इमर्जिंग है और ग्लोरीफाई होता जा रहा है दिन प्रतिदिन. शुरू से ही बायोलॉजी पढ़ने का मतलब होता था डॉक्टर बनना, होना भी चाहिए, ज़रूरत भी है समाज को, और डॉक्टर होना एक सेवा है तो ज़रूरत है उस चीज़ का. लेकिन उसके अलावे बायोलॉजी पढ़ करके आप नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, तो ये सब फिर भी मेडिकल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. लेकिन इसके अलावे हम इस मेडिकल सेक्टर से बाहर निकलते हैं, फार्मेसी भी है जिसको हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं. फार्मेसी पढ़ करके आप BPSC वगैरह एग्ज़ाम देकर, UPSC एग्ज़ाम देकर के आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, एक बड़ी स्कोप है इसमें. लेकिन इस मेडिकल साइंस से अगर हम बाहर निकलें तो फॉरेस्ट्री में इसका बड़ा योगदान है. फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट ऑफिसर बनने में इसका बड़ा योगदान है. बोटनी पढ़ करके आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं एग्ज़ाम दे करके. इसके अलावा अगर उससे निकलते हैं तो आज इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है जो आज हम लोग पढ़ने भी वाले थे. तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है. जब तक हम लोग फूड के प्रोडक्ट्स को इन्हांस नहीं करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, तब तक हम इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड नहीं करा सकते. और इसके लिए हमको बायोलॉजी का सहारा लेना ही होगा. तो कई सारे तरीके हैं एग्रीकल्चर्स के, टूल्स एंड टेक्निक्स, मॉडर्न बायोलॉजिकल एप्लायंसेस की मदद से हम एग्रीकल्चर को इनरीच कर रहे हैं. एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा कम लोड पड़े, थोड़ा सा हम लोड बांटें किसी और के चीज़ के ऊपर भी लोगों को खिलाने के लिए, तो डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, बी कीपिंग है, इन सभी जो मैं अभी शब्द बोला हूँ इन सभी में ग्रेजुएशन होता है, इन सभी पर प्रॉपरली एक एक सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन होता है. आज ICAR, आज से 50 साल पहले एग्रीकल्चर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता था, कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है. बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, बिहार में अपना एक रैंकिंग रखने वाला बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर है, भारत में इसका अच्छा योगदान है, कई सारे इसके यील्ड वेराइटीज़ हैं, सीड के वेराइटीज़ हैं जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, बनाया है. तो एग्रीकल्चर भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, इस किसी ने सोचा नहीं था. और आज ICAR जिस तरह से नीट की परीक्षा है
उसी तरह ICAR की परीक्षा है जिससे आप एग्रीकल्चर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नामांकन ले सकते हैं और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। बैंक में इसका नौकरी आ रहा है, ब्लॉक लेवल पर जिस तरह से BDO CEO बन रहा है उसी तरह से एग्रीकल्चर ऑफिसर बन रहा है, तो इसका भी बड़ा इमर्जिंग स्कोप है। फॉरेंसिक साइंसेस है, आप CID वगैरह देखते होंगे तो उसमें फॉरेंसिक साइंस है, उसमें पढ़ा जा सकता है इसके बारे में, तो कई सारे इसके स्कोप्स हैं। तो इसको पढ़ करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डॉक्टर ही बन सकते हैं, बहुत कुछ है जो कि हम कर सकते हैं। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरत है इस देश को। तो ये है बायोलॉजी का स्कोप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर, बहुत कुछ बताया आप लोगों को, और आप जैसे कि नीट का चर्चा कर रहे थे, तब से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो बच्चे और भी जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, तो अगर नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनको किस तरह का मेहनत करना होगा, किस तरह से मेहनत करना होगा? निगेटिव वे में बोलें कि पॉजिटिव वे में, पहले हमको ये बता दीजिए। पहले आप पॉजिटिव तो सब बताते हैं, पहले निगेटिव भी बताइए इसका क्या होगा। हम तो ये बोलते हैं कि नीट बोलो मत, शर्म करो नीट बोलने में। सबसे पहले बच्चे आते हैं ना डायरेक्ट, सर हमको नीट करना है, उनके पिताजी के सामने बोलते हैं शर्म आया ही बोलने में शब्द, इसका फुल फॉर्म बताओ। सबसे पहले हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। और ये भारत में NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2019 से कंडक्ट कराई जा रही है, उसके पहले ये अलग अलग तरीके से होता था। ये नीट 2016 से पहले AIPMT, PMT, स्टेट PMT के रूप में होता था। ये क्या है, मोटा मोटी मेडिकल करना चाहता है जो बच्चा, उसके लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, और इसको देने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए ना वो बच्चा के पास है ही नहीं, बिल्कुल सुपड़ा साफ है, कुछ जानता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, इस तरह से वो स्कूल से यहाँ पर पहुँच रहा है। और उस परिस्थिति में अगर वो बोलता है हम नीट करना चाहते हैं तो ये बड़ा दुखद है, बहुत मुश्किल है। फिर हो सकता है इंटर के बाद उनको 5 साल पढ़ना पड़े जो कि वो पीछे छोड़ करके आए हैं, और इवन हमको शर्म तब आता है जब 11th पढ़ा नहीं, डायरेक्ट 12th में आकर के सोच रहे हैं हम गर्दा उड़ा दें और बोलता है नीट करें, तो हम उसका चेहरा देखते हैं, बोले बेटा मत बोलो ये शब्द, इस शब्द का तौहीन है ये, नीट मत बोलो प्लीज़, उसके पहले नीट के लिए तैयार हो, नीट शब्द बोलने के लिए तैयार हो। तो पॉजिटिव सेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे गांव में हैं, अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी इंटर में आके 12th में आकर के शुरू करना ये काफ़ी लेट हो जाएगा। एक समय के बाद क्या होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं करते करते। अगर आप इसकी शुरुआत 7वां 8वां से स्टार्ट करते हैं, 8 से स्टार्ट अगर करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 पूरी पंचवर्षीय योजना का कार्यरत आपका तैयारी होना चाहिए, पूरा 5 वर्ष आप काम करेंगे तभी हो पाएगा, और नहीं तो काफ़ी मुश्किल है। 8 क्लास से अपने साइंस के सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़िए कि लगे कि हमको डॉक्टर ही बनना है, और हम बायोलॉजी ले लिए हैं इसीलिए हम लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेडिकल करना चाहते हैं, हम मेडिकल करना चाहते हैं इसीलिए बायोलॉजी लिए हैं, ये आपका दिखना चाहिए आपके चेहरे से, आपके बोली से, आपके बातचीत से। 8 क्लास से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, 9th को अच्छे से पढ़िए, 10th को अच्छे से पढ़िए। बच्चा क्या करता है, अगर उसको कोई बोल दिया ना 9th में दो तुम मेडिकल करोगे, अब नम्मा वागर के बार मार्क पढ़ना स्टार्ट कर देता। अरे नहीं नहीं नहीं, होशियार कम बनना है, जो मिला उसको किया, 8 मिला 8 पढ़ा, 9th मिला 9th पढ़ा, 10th मिला 10th को ईमानदारी से पढ़ा। और जब ये 3 साल जिस बच्चे का बहुत अच्छे से तैयार है, वो अगर आके कहता है ना कि सर हम नीट करना चाहते हैं, तो हम जैसा शिक्षक उसके लिए प्रयास कर सकता है, और नहीं तो हमारा प्रयास का कोई मतलब ही नहीं है कि हम उसको कुछ करवा सकें। अब कौखों नहीं जानते हैं चले नॉवेल लिखने, संभव नहीं है। तो फिर 11th और 12th, बच्चे को 11th सीरियस नहीं लेता, बच्चा 11th को सीरियस नहीं लेता, बोलता फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट ईयर, चलो उड़ाते हैं गर्दा। नहीं उड़ेगा, असंभव है, अकल्पनीय बात कर रहे हो तुम। अगर आपको नीट करना है तो उसकी तैयारी कम से कम आप 10वां से शुरू कर दीजिए, 10वां से आप सीरियस हो जाइए, 9th को पढ़िए ईमानदारी से, 10th को पढ़िए, 11th को पढ़िए, 12th को पढ़िए। जब ये 4 साल आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, सिलेबस सिर्फ आप सिलेबस पढ़िए, NCERT को ज़्यादा कुछ मत कीजिए, कोई इधर का उधर का किताब मत पढ़िए, सिर्फ NCERT पर फोकस कीजिए, अपने शिक्षकों की सुनिए और उस पर कमांड कीजिए। इतना अगर आप कर लिए तो आप साल भर की तैयारी में नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, ये ईद का चांद नहीं है, हर साल आता है, और आप आराम से इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से शुरू से हल्का हल्का कछुए की चाल में चलेंगे तो। जी
तो आप लोग जाने कि नीट शब्द कोई मजाक का शब्द नहीं है, उसके लिए आपको एक हार्ड वर्क करना होगा, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए अंदर से कि हमको 8 से ही 8 9 से ही पूरे अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ना होगा। जैसा कि सर मेरे कुछ स्टूडेंट्स आपसे मतलब जानना चाहेंगे, मतलब उनका सवाल था मेरे से कि 10th के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो वे किस तरह से अपने रास्ते पर चले, क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि वह आगे जाकर सफल डॉक्टर बन सके। देखिए सबसे पहले उसको एक दिमाग में बात सोचना पड़ेगा कि हम डॉक्टर बन के पैसा नहीं कमाएंगे, और ये एक सेवा है, नौकरी नहीं। और सेवा देने के लिए, सेवा देने के लिए त्याग चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए, और इसमें रात में भी ड्यूटी करना पड़ेगा, आपका ज़िंदगी इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप इसके लिए भी तैयार हैं तब डॉक्टर बनने की सोचिए। और हम जानते हैं कि हमारे पास आने वाले बच्चे कोई भी करोड़पति बाप का बेटा नहीं है, और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके नीट की तैयारी किए बिना डॉक्टर बनना चाहते हैं तो करोड़ रुपया पप्पा का जेबी में होना चाहिए। इंडिया का सबसे महंगा पढ़ाई नीट है, सबसे महंगा पढ़ाई क्या है, नीट है, डॉक्टर बनना, और सबसे सस्ता भी नीट है, बस फर्क है रास्ते का। अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपया में जो सरकारें आपको दे देगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और आप सफल डॉक्टर बन करके निकल जाएंगे अगर आप मेहनत करके नीट की तैयारी करते हैं तो, और नीट निकाल लेते हैं तो। लेकिन अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे बिना सोचते हैं डॉक्टर बनना, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया जो नीट बन करके डॉक्टर बनने में लगाएगा आदमी, उससे बढ़िया है कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, चाय का तफरी खोल दो पूरे बिहार में, 100 उससे ज़्यादा कमाओगे नीट से, ज़्यादा सो भी पाओगे घर में, तुम 100 आदमी को रोज़गार भी दे पाओगे। तो नीट करना है तो सेवा के लिए पहले तत्पर हो जाइए। अगर आप सेवा करने के लिए तैयार हैं तभी नीट की तैयारी शुरू कीजिए। जिस दिन भाव आपका सेवा का हो जाएगा उस दिन आपको नीट करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 11th को ईमानदारी से पढ़ेंगे, 12th को ईमानदारी से पढ़ेंगे, और पढ़ना तो हाथ का मैल है, दिमाग का खोपड़ी का खेल है, आराम से पढ़ के आप गर्दा उड़ा सकते हैं। तो सर एज ए स्टूडेंट हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में सक्सेस के बारे में आपका क्या विचार है, सक्सेस के बारे में मेरा कोई विचार नहीं, हम जिस विचार से प्रभावित हैं हम वही विचार रखेंगे। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोवृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धयति। अर्थात सक्सेस होने के लिए 6 चीजें आपके पास होनी चाहिए। हम नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण को तो मानते हैं, गीता को तो मानते हैं, गीता को पूरे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और जो दुनिया का बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है चाइना का विश्वविद्यालय उसको इसको गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक मानता है। आइंस्टीन खुद कहते हैं कि हम जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए उसमें हम भारत के ग्रंथों से प्रभावित होकर के उसके जो सूत्र हैं उससे प्रभावित होकर के दिए हैं। सूर्य का दूरी कितना है, चांद का दूरी कितना है, ये हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत का जो सभ्यता है, हमारी जो पौराणिक पुस्तकें हैं उसमें लिखा हुआ है। तो लोग बाद में आकर के रिसर्च किए, हम लोग पहले से ही उतना सजग थे और इसके बारे में समझ रहे थे। पूरे दुनिया का सबसे पुराना वाला यूनिवर्सिटी अपना विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, हम विश्वगुरु थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम दिनों दिन गर्त में मिलते जा रहे हैं। और बिहार का एजुकेशन ये है कि बिहार के नेताओं को भी यही पता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वही बिहार का स्कूल जो कि सिमुरतल्ला विश्वविद्यालय है, वो भी BSEB के अंतर्गत ही आता है सिमुरतल्ला, और तुम्हारे गांव और तुम्हारे स्कूल जो प्लस टू स्कूल है तुम्हारे शहर का, वो भी बिहार सरकार BSEB के ही अंदर आता है। लेकिन सिमुरतल्ला में इतना अच्छा फैसिलिटी क्यों है और तुम्हारे गांव में क्यों नहीं है, इसका अंदाज़ा तुम खुद से लगा सकते हो। तो दिक्कत है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा समस्या है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम इस पॉपुलेशन को यूज करते हैं तो हम आगे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो सक्सेस का मतलब हमारी गीता से निकल करके आता है, 6 चीज़, उत्साह, निश्चय, धैर्य, 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है। अगर आपके अंदर उत्साह है, इंथुजियाज्म, हमको नीट करना है, करना है, करना है, फाड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, जो आपके पास होता है, लेकिन आप निश्चय सही समय पर नहीं कर पाए कि हमको कैसे करना है, कब करना है। जब आप सोए हुए हैं, बहुत उत्साह है पानी पीने का, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते जब तक आप निश्चय नहीं किए कि हमको उठ करके पानी पीना है। जैसे ही आपने डिटर्मिनेशन को डाला कि हमको पानी पीना ही है, तो आपका पैर घूमने लगेगा, जमीन पर आने लगेगा, आप उठने लगेंगे, गिलास की ओर बढ़ने लगेंगे, परिवर्तन दिखने लगता है। उत्साह के साथ चाहिए निश्चय, डिटर्मिनेशन, इंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। तीसरा, धैर्य। अगर आप में उत्साह है, निश्चय भी कर लिया आपने, शुरू किया फिंगर टिप्स बनाना,
शुरू किया सी वर्मा बनाना, 4 दिन में फुस। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो फिर आप गिर जाएंगे। आपके पास बाउंस बैक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चया धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात्, वही वही काम करने हैं जो हमको करना चाहिए नीट को हासिल करने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए। सारे काम नहीं करने हैं, लेबर आदमी करता है सब काम, हम स्टूडेंट हैं, हमको वही काम करना है जो हमको सक्सेस होने में मदद करेगा। क्या भाई? तो हमको देखना है कि हमारा जो गोल्डन गोल स्टेटमेंट है, हम जहां पहुंचना चाहते हैं, हम जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या फेवरेबल है, क्या क्या अनफेवरेबल है। जो फेवरेबल है एक्सेप्ट, जो अनफेवरेबल है साइड। माँ बोल रही है दूध लाने, हो सकता है आपके पढ़ाई में ये डिस्टर्ब कर रहा हो, तो दूध नहीं लाएंगे। भले ही माँ का बात का अवहेलना क्यों ना हो जाए, अपने भाई को बोलेंगे कि जाओ दूध वाले ले आओ, काम तो हो गया ना। हम वही करेंगे जो हमको सक्सेस होने के लिए करना है। तत् तत् कर्म प्रवर्तना संगत त्यागत सदोवृत्ति, 4 बात हुआ ना। 5वां, आप उस लोगों के साथ रहिए जो आपके गोल्डन स्टेटमेंट को, आपके गोल को पहुंचने में फेवर करता है। आप उस लोगों का 5वां बात 6वां बात, आप उन सभी लोगों का सहारा छोड़ दीजिए जो आपको इस चीज में जाने से रोक रहा है। वो आपका मोबाइल क्यों ना हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, ज्यादा समझ में आता है सब बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड मदद कर रही है आपको आपके गोल को पहुंचने में, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर वो मदद नहीं कर रही है, वो आपका समय ले रही है, तो समझ लीजिए वो आपकी सबसे बड़ी जानी दुश्मन है, और उन लोगों से साइड हो जाइए। अगर आपका बाप ही क्यों ना हो, 2 साल के लिए बाप से भी मुख हो जाएंगे। अगर बाप निगेटिव बार बार बोल रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, हम दूर हो जाएंगे, पप करके दिखाएगा, उसके बाद बात करने आएगा। तो उन सभी लोगों से दूर हो जाइए जो आपके गोल्डन स्टेटमेंट को, आपके गोल को फेवर नहीं करते हैं, और उन सभी लोगों से आप दूर हो जाइए जो फेवर नहीं करते हैं। उन सभी लोगों से सट जाइए, हो सकता है वो किताब हो सकता है वो किसी टीचर का वीडियो हो सकता है स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम का जीवनी हो, वो हर चीज़ जरूरी नहीं है, दोस्त सिर्फ आदमी ही हो सकता है। आप जहां से आपको प्रेरणा मिल रहा है आप वहीं जुड़ जाइए और उसी से जुड़ जाइए। अगर ये 6 काम कीजिएगा तो आपको सक्सेस होने से षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 काम, षड संस्कृत में होता है 6, षडभिर भक्ति, इस 6 चीज़ का जो भक्ति करेगा उसको प्रसिद्धि प्राप्त होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन माई माइंड एज पर द गीता। तो अभी आप लोग जाने कि सक्सेस कैसे मिल सकती है। उत्साह, सर ने मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस किया है, उत्साह निश्चय और धैर्य, ठीक है। और इसे लगता है कि सर संस्कृत के भी ज्ञाता है, सर संस्कृत भी जानते हैं। चलिए, संस्कृत में कहा गया है एक, तो मतलब हम भी ऐसे संस्कृत टीचर है गांव में, तो एक श्लोक कहा गया है कि 60 दोषे पुरुषे ने हातभ्याम भूति मिक्षता, यानी कि 6 दोष ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति की इच्छाओं का नाश कर सकता है, वह होता है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। यानी कहा गया है कि पुरुषों में यानी कि मनुष्य में ऐसा 6 दोष होता है जो होता है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष ऐसे हैं जो किसी मनुष्य के इच्छाओं का नाश कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत कुछ जाने सर से, आप थोड़ा सा और कुछ पूछना चाहेंगे, आप ज़्यादा समझने लगे सर, तो जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा इरेलेवेंट सवाल है, पूछ सकते हैं ना। चलिए सुनिए, आप लोग भी सुनिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है जो होता है हार्ट, दिल, सुने हैं ना। तो आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई इस हार्ट का कनेक्शन प्यार मोहब्बत से है या फिर जुड़ का बदनाम है। अरे हम क्यों बोलेंगे भाई, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। एज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ना तो दिल शीशे का है और ना ही जमाना पत्थर का है, और दिल कार्डियक मसल का बना हुआ है, टूट सकता ही नहीं है। इट इज हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मसल, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन विदाउट गेटिंग फटीग, वो बिना थके बिना रुके जन्म से पहले से ही, सबसे पहला हमें कौन डेवलप होता है, पढ़े ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब से हर्ट बना तब से वो सतत काम करते रहता है। कब तक? जब तक हम उसका रुक जाना ही मृत्यु का परिभाषा है, मृत्यु की परिभाषा है।
तो हर चीज़ सीखने को मिलता है। हमारा जीवन भी वही है, काम करते रहो, रुको मत, थको मत, चलते रहो। और जहाँ तक आप बोलते हैं उसका संबंध किस चीज़ से है, देखिए वो सिंबॉलिक चीज़ है। और प्रेम जो है ना हर कोशिका में बसा है, वो हर्ट ही नहीं है। और क्योंकि हर्ट से ही हम जिंदा हैं, अर्थात हम प्रेम से ही जिंदा हैं, ये एक संकेतात्मक शब्द है। हृदय को हम प्रेम से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हृदय नहीं तो जिंदगी नहीं, और जिंदगी प्रेम के बिना संभव नहीं, इसीलिए हर्ट का कनेक्शन प्रेम से है। चलिए, तो बहुत अच्छा सर इसको एक्सप्लेन किए कि हार्ट टूटने वाला सब चीज़ नहीं है, तो एक सिंबल है। तो आपसे और कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या लव का बायोलॉजी से कोई कनेक्शन है या फिर पूरे कनेक्शन है? क्योंकि प्रेम जो है ना वो सजीव ही कर सकता है। कभी देखें ईटा आपसे प्रेम कर लिया, कुर्सी से किसी को प्रेम हो गया, आपको हो सकता है, कुर्सी को आपसे नहीं हो सकता। तो प्रेम सजीवों का ही सबसे बड़ा लक्षण है। एंड प्रेम इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। स्वचेतना ही जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा है, और स्वचेतना का ही अर्थ प्रेम है, और प्रेम मतलब एक दूसरे के प्रति सद्भाव, और यही प्रेम है। और प्रेम का पूरा पूरा कनेक्शन जीवन से है, बायोलॉजी से है, और बायोलॉजी में हम जीवन का ही अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। वाह वाह। तो आपसे आप एक अब आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, बहुत समय हो गया, तो जानना चाहेंगे कि प्राय का अधिकतर अधिकांशतः इसी उम्र में बच्चे रास्ते भटक जाते हैं, यानी कह सकते हैं भाग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा नहीं है कि इसी उम्र में भटकते हैं, 50-60 साल में भी भटकता है आदमी, भटकाने वाला का स्तर होना चाहिए। तो हाँ सही बात है आपका कि इस उम्र में बच्चे भटकते हैं, तो उसका सीधा कनेक्शन बायोलॉजी से ही है। क्योंकि जो यौवना अवस्था है ना, जुवेनाइल फेज जब ख़त्म होता है, रिप्रोडक्टिव फेज की जब शुरुआत होती है, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस एज कहते हैं, इस उम्र में ही हमारे अंदर जो सेक्स हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन वगैरह जो है, वो स्रावित होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब वो हार्मोन स्रावित होता है तो हम कुछ नहीं करते, लड़के नहीं बहकते, हार्मोन उसको बहकाता है। और क्योंकि किसी भी सजीव का जो अल्टीमेट गोल है वो है प्रजनन करना। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड सिमिलर टू इट्स सेल्फ। मतलब प्रजनन करना ही सबसे मूल काम है किसी भी जीव का इस पृथ्वी पर। डार्विन साहब भी कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म हैज मैक्सिमम पोटेंसी टू रिप्रोड्यूस, एन ऑर्गेनिज्म हैज इनॉर्मस कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। तो जब प्रजनन करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, हम बने ही इसीलिए हैं, और जब इस चीज की शुरुआत होगी, इसका हार्मोन स्रावित होगा, तो भटकना तय है। लेकिन इस समय में जो उस हार्मोन को अपने इंडोक्राइन सिस्टम को, जो अपने नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है, वही जीवन में सक्सेसफुल होता है और उसका चरित्र बच पाता है। तो हमारे शरीर में होने वाला हर घटना दो चीज़ों से कंट्रोल होता है, एक इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर में होने वाले हर गतिविधि को रोक कर रहा है। तो प्रेम है, भटकाव है, ये सब तो शरीर का ही ना कार्य है। अगर इस चीज़ में आप अपने इंडोक्राइन सिस्टम, अपने हार्मोन के ऊपर अपने नर्वस सिस्टम को हावी रखते हैं, तो आप जीवन में सही दिशा में जाएंगे, सही जगह पर जाएंगे, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। और क्योंकि यही उम्र है भटकने का, और यही उम्र है बनने का भी, तो हम ये नहीं कहते हैं भटकिए मत, थोड़ा बहुत जरूरी भी है, लेकिन तब जब आपको लगे कि हम सही जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे ऐसा कि जिसके लिए भटक रहे हैं उसको खिया पिया लेंगे, बस यही है कनेक्शन, और क्या। उम्मीद है आपको और कुछ है, तो चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना समय देने के लिए और इतने सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए और हमारे विचारों को लोगों के सामने फैलाने के लिए।
ये किए, क्योंकि हम क्लास में तो ऐसे ही, लेकिन कभी कभी जब मिलता है अच्छा अवसर तो हम भी बोल लेते हैं। और इससे अभी जैसे कि अभी फील हो रहा है हमको कि अगर हम नेता भी बनते तो अच्छा नेता बनते। ठीक है थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, श्याम तिवारी मेरा चैनल का नाम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये इतना मेहनत किए हैं आप सबके लिए, जो भी बायोलॉजी विंग्स के बच्चे देखेंगे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि पैसा आपका उससे जाता नहीं है, एक रुपया भी नहीं कटता है, कर ही दोगे तो क्या जाएगा मेरे दोस्त। हम तो अपने चैनल पर नहीं ना बोलते हैं, इनका कर देना मेरे बदले, चलो अब ऐसा मेरा अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए अभी हमारे साथ है बायोलॉजी में से कुछ स्टूडेंट्स जो भी पढ़ कर आए हैं, तो इनसे हम कुछ जानेंगे। क्या बताइए, बायोलॉजी में आकर आपको कैसा लगता है, सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि आप लोग भले मानते जानते हैं कि बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो ऐसे तो जाकर के बोरिंग टाइप का लगता है, लेकिन सर जीवन से रिलेटेड करके पढ़ाते हैं, जीवन से रिलेटेड करके जो पढ़ते हैं उसी को साइंस कहते हैं, खत्म हो बायोलॉजी और जाकर के रिलेटेड है, जीवन से सब चीज़ होता है और हर चीज़ तो वही घटना है उसी को हम लोग जाकर के बायोलॉजिकल वर्ड में पढ़ते हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट तो ना है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आप बताइए कि आप बायोलॉजी में क्यों चुने, क्यों आते हैं आप? हम बायोलॉजी, मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, और मुझे इस बात का ज़्यादा खुशी नहीं कि मैंने 12th सर के पास आके चुना, मुझे इस बात का ज़्यादा गम है कि मैंने 11th सर के पास क्यों नहीं पढ़ा। प्रभात सर की एक खासियत है कि वो एक स्टूडेंट कैसा सोचता है उस सोच के ऊपर सर पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट किस सोच से सोचता होगा उस सर की, हर एक स्टूडेंट की फीलिंग को समझते हैं, और इस सर बस चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं कि स्टूडेंट समझा होगा कि नहीं, यही सर की सबसे बड़ी खासियत है। और उतने सारी भीड़ होते हुए भी सर सारे स्टूडेंट्स पर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि सर किसी पर ध्यान दिए किसी पर ध्यान नहीं दिए, सर सारे स्टूडेंट्स को इक्वल मानते हैं और सब पर ध्यान देते हैं और सबको समझाते हैं। जी, किसी भी टीचर का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बहुत विशिष्ट गुण होता है कि वह बच्चों के मन को जानने की, बच्चा समझाए या नहीं समझाए, यही सब बच्चों ने, तो बहुत अच्छा है सर में ये क्वालिटी। और भी आइए, बायो में हर बच्चा का यही होता है कि रटना पड़ता है। यहाँ पे एक ये है कि हमको रटना नहीं पड़ता, इस तरह से समझाते हैं कि रटने का जो परेशानी दूर कर देते हैं ये सर के पास। बायो में हर बच्चा सोचता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड सब होता है और उसको डिफिनेशन सबको रटना पड़ता है, इस कारण से बहुत बच्चा बायो से डरता है। कि हम तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि बायो में मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर माइंड में बैठा देते हैं कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि सर इतना अच्छा समझा ही देते हैं। हाँ, समझा ही देते हैं क्लास में कि उसको बस एक बार जा करके देख लीजिए, बस तो आप खुद से कर लीजिए, खुद से कर लीजिएगा, आंसर कर लेंगे इस तरह से, बस लैंग्वेज अपने से लिखना पड़ता है, बस हो गया, माइंड में वो सेटअप रहता है। बहुत बहुत आपका क्या अनुभव है, आप पढ़ करके आप क्या बोलना चाहते हैं? सर इतना गजब पढ़ाते हैं कि इसका कोई बोल ही नहीं सकते, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, एक बार पढ़ा देते हैं समझ में आ जाता है, और रूम में जाके एक बार नहीं भी पढ़े इतना कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं कर देते हैं, रूम में नहीं पढ़ने के बराबर पढ़ता है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।